अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत। वाह, अब तो हमारे गांव में कचरे के लिए गाड़ी भी आने लगी है वंदे। हाँ, अब गांव में कोई कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकेगा। तुमने सुना ना कितना अच्छा गाना बज रहा था, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। अरे बस बस नन्ही, हाँ तुम सही कह रही हो, ये गाना बहुत सुंदर है। ये गाना जब सुबह सुबह बजता है तो स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोग जागरूक होते हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करती है स्वच्छता? भला कब से कोई अभियान हो गया वंदे? अरे नन्ही, स्वच्छता तो हमेशा से अभियान का अंग रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो यहाँ तक कहते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक जरूरी है। हाँ, तो स्वतंत्रता तो हमें मिल गई वंदे, लेकिन ये स्वच्छता का मुद्दा इतना गंभीर क्यों है कि उसके लिए सरकार बकायदा अभियान चला रही है? महात्मा गांधी जी के सपने को सच करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। अच्छी बात ये है कि गांधी जी का सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारे देश को स्वच्छ बनाने में लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन वंदे, कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब वो लोकप्रिय होता है। क्या स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बन पाएगा? स्वच्छ भारत अभियान तो पहले ही किसी जन आंदोलन के रूप में देश को खुशहाली के मार्ग पर लेकर जा रहा है। तुम्हें मालूम है, आज लोग स्वच्छता के महत्व को समझ रहे हैं, समाज रोग मुक्त हो रहा है और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। रोग मुक्त समाज ही तो सुखी राष्ट्र की आधारशिला है। अच्छा वंदे, मुझे ये बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से हमारे गाँव को साफ सुथरा बनाने में सहायक साबित हो रहा है? खुले में शौच की समस्या से आज हमारे गांव मुक्त हो चुके हैं। आज घर घर में शौचालय है, जिसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसके साथ ही प्रदेश के गांवों में स्वच्छ भारत को सफल बनाने के लिए हमें माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का भी धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, तो हमारी आप सब से गुजारिश है कि एक बार आप सब जोर से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे प्रदेश के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के लिए ताली बजा दीजिए। हाँ तो वंदे, मुझे बताओ कि आखिर किस तरह स्वच्छ भारत योजना हमारे गांव के लिए खुशहाली लेकर आई? इस योजना को आखिर क्यों जल कल्याणकारी माना गया और इससे समाज को क्या लाभ हुआ? हाँ चलो, मैं तुम्हें और यहाँ बैठे सभी पंचायत प्रतिनिधियों को इसके बारे में बताता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन को दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ बनाना था। इस मिशन का केंद्र बिंदु देश भर से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना रहा। अभियान के तहत समाज को और विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना रहा। इस मिशन के तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी शुरू हुआ, जो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बना। पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से जमीनी स्तर पर इसने गांवों में जन आंदोलन पैदा कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया। आज स्वच्छता अभियान ये न पूज्य बापू का रहा है, न ये भारत सरकार का रहा है, न ही ये राज्य सरकार का रहा है, न ही ये म्युनिसिपैलिटी का रहा है। आज स्वच्छता अभियान देश के सामान्य मानवी का अपना सपना बन चुका है और अब तक जो सिद्धि मिली है वो सिद्धि सरकार की है,
ऐसा मेरा रत्ती भर क्लेम नहीं है। न ये भारत सरकार की सिद्धि है, न ये राज्य सरकार की सिद्धि है। अगर ये सिद्धि है तो स्वच्छाग्रही देशवासियों की सिद्धि है। इस काम में लगे हजारों पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और स्वच्छता योद्धाओं की मेहनत आखिर रंग लाई। परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो वर्ष 2014 में 39% था, वर्ष 2019 तक बढ़कर 100% हो गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था। इस अभियान की सफलता का श्रेय 4 स्तंभों पर आधारित रहा, जिसे अंग्रेजी में 4 P's के नाम से जाना गया। इन 4 P में राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी और जन भागीदारी शामिल हैं। प्रथम चरण में यह आंदोलन सफल रहा क्योंकि इसका नेतृत्व स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक संकल्प जिसमें कहा गया कि 5 वर्षों में खुले में शौच को समाप्त करना है, वो सच्चे अर्थों में एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र से 130 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। खुले में शौच मुक्त देश के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी स्वच्छता के लिए होने वाले कार्य जारी हैं। पिछले 5 वर्षों में कार्यक्रम के तहत जो लाभ प्राप्त हुए हैं, उनको स्थानीय बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए भारत सरकार ने खुले में शौच मुक्त स्थिति को स्थायी बनाए रखने और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर बल देने के लिए फरवरी 2020 में 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पार्ट 2 लॉन्च किया है। तो क्या भारत में स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ बंदे? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में आई कई सरकारों ने अपने अपने समय पर स्वच्छता के मुद्दे को तरह तरह से उठाया। वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। क्या उस समय देश को स्वच्छ बनाने का मुद्दा इतना गंभीर था? हाँ मेरी प्यारी दोस्त नन्ही, क्या तुम जानती हो कि वर्ष 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता का कवरेज मात्र 1% था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के उपाय किए गए वंदे? भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का आरंभ किया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता को साफ सफाई के प्रति जागरूक करके उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारना था। चलो मैं तुम्हें स्वच्छ भारत से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बता देता हूँ। भारत में आई कई सरकारों ने अपने अपने समय पर स्वच्छता के मुद्दे को तरह तरह से उठाया। वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। वर्ष 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1% था। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता को समर्पित अंतरराष्ट्रीय दशक 1981 से 90 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का आरंभ किया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और महिलाओं को सम्मान देना था। वर्ष 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार समेत मानव संसाधनों के विकास पर बल दिया गया।
इस अभियान से लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार, अन्य सेवा तंत्रों के माध्यम से उपयुक्त विकल्पों का चयन करने में सहायता मिली। इसी अभियान के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों को पारिवारिक शौचालय के निर्माण तथा उपयोग के वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए। समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में बड़ा और सार्थक रूप तब मिला जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम ने अपना कमाल दिखाया और वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद गांवों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। अक्टूबर 2019 तक आते आते देश के सभी गांवों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। शौचालय निर्माण के बाद तो स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य मानो पूरा ही हो गया हो ना वंदे। मात्र शौचालय बनवा देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की कोशिश एक ऐसे भारत के निर्माण की है जो कचरे और गंदगी से मुक्त हो। इसलिए खुले में शौच मुक्त गांवों की श्रेणी में उन्हीं गांवों को रखा गया है जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को स्थायी रूप से बनाए रखने में सक्षम है और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। गांवों को स्वच्छ बनाने का काम किस तरह से किया जा रहा है वंदे? स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण भारत के लोगों और समुदायों की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इस अभियान को उनके लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई को व्यवहार में लाने में आसानी हो। मात्र शौचालय बनवा देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की कोशिश एक ऐसे भारत के निर्माण की है जो कचरे और गंदगी से मुक्त हो। इसलिए खुले में शौच मुक्त गांवों की श्रेणी में उन्हीं गांवों को रखा गया है जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को स्थायी रूप से बनाए रखने में सक्षम है और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण भारत के लोगों और समुदायों की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इस अभियान को उनके लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई को व्यवहार में लाने में आसानी हो। इस काम को करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाँव में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनबाड़ी केंद्रों को शौचालय उपलब्ध हो, गांव में व्यवहार परिवर्तन का संचार जारी हो और लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का सहारा लिया जाए। यदि गांव में 100 से अधिक घर हों तो वहां पर एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन हो। तरल कचरा प्रबंधन के लिए न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी प्रबंधन हो। गांव में प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने और गीले कचरे से अलग करने की प्रणाली हो। गांव के सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत घरों में दीवार पर चित्रकारी या इश्तहार के जरिए स्वच्छता संदेशों को दर्शाया गया हो। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या जल जमाव ना हो। मार्गदर्शी सिद्धांत स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के तहत ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए, ये प्रयास किया जाएगा कि परियोजना अवधि के दौरान बने सभी नए परिवारों और पिछले में वंचित रह गए पात्र परिवारों तक स्वच्छता सुविधाएं पहुंचाई जाएं। ऐसे परिवारों की पहचान का काम ग्राम पंचायत का होगा। जो परिवार स्थान की कमी के कारण शौचालय नहीं बनवा पाए या जो लोग अस्थायी आबादी के रूप में जीवन यापन करते हैं उनके लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाए।
ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के काम को मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेहतर किया जाए। 3 R का पालन हो, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल शामिल है। पंचायत प्रतिनिधि कचरा एकत्रण, पृथक्करण और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करें। लोगों को कम कचरा उत्पन्न करने, पशुओं के गोबर को खाद के लिए, प्लास्टिक कचरे का उद्योगों में सह प्रसंस्करण करने और गंदे जल को भूजल के पुनर्भरण आदि के लिए प्रेरित करें। व्यापार मॉडल का उपयोग। ये महत्वपूर्ण है कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी सहायता ली जाए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक स्वच्छता सेवाओं को पहुंचाने के लिए राज्यों को निजी क्षेत्रों का सहयोग लेना चाहिए। लाभकारी मॉडल, लागत के सही बंटवारे, लागत वसूली और राजस्व सृजन के सिद्धांतों पर आधारित उचित व्यवस्थाओं से स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की सहायता से कचरे का व्यवसायिक, आर्थिक और रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। शौचालय के चयन में सुरक्षित तकनीकों का चयन किया जाना चाहिए, जैसे ट्विन पिट, सोक पिट युक्त सेप्टिक टैंक, इकोसेन और बायो शौचालय आदि। भारत सरकार टोपोग्राफी, भूजल स्तर, मिट्टी की स्थिति आदि के आधार पर राज्यों को उपयुक्त तकनीक के चयन का अधिकार देती है। अब मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ वंदे, लेकिन मुझे ये बताओ कि स्वच्छ भारत के तहत गाँव की साफ सफाई के लिए आखिर किन किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए घरेलू और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के दौरान सुनिश्चित करना चाहिए कि भूजल तथा जल स्रोतों का किसी प्रकार से दोहन ना हो। इसी तरह से गड्ढों की गहराई आदि के लिए मानक रूपरेखा का भी पालन होना चाहिए। क्या शौचालयों की मरम्मत का कार्य भी स्वच्छ भारत में शामिल है? कार्यशीलता और स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर शौचालयों की मरम्मत और साफ सफाई का काम होना चाहिए। चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें विस्तार से बता देता हूँ। शौचालय निर्माण के समय इन बातों पर दें ध्यान। घरेलू और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के दौरान सुनिश्चित करें कि भूजल तथा जल स्रोतों का किसी प्रकार से दोहन ना हो रहा हो या वो दूषित ना हो रहे हो। गड्ढों की गहराई आदि के लिए मानक रूपरेखा का पालन करें। कार्यशीलता और स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर शौचालयों की मरम्मत और साफ सफाई का काम होना चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब या प्रवासी मजदूरों, अस्थायी आबादी वाले स्थानों को प्राथमिकता दें। सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पर्याप्त संख्या में शौचालय सीट, स्नान घर, कपड़े धोने का चबूतरा, हाथ धोने का बेसन आदि होना चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर को इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिसका उपयोग दिव्यांग जन भी कर सकें। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम वित्त पोषण खंड में दिए गए वित्त पोषण मानदंडों के अनुसार दी जाती है। सामुदायिक परिसरों के संचालन और रखरखाव का दायित्व ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत अगर चाहे तो भुगतान तथा उपयोग मॉडल के माध्यम से सामुदायिक स्वच्छता परिसर का संचालन एवं रखरखाव कर सकती है। ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। इस काम को पंचायतें किसी एजेंसी, व्यक्तियों के समूह अथवा राज्य या जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार कर सकती हैं। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों का चयन उनके पिछले कार्यों के अनुभवों, तकनीकी क्षमताओं तथा
कम भुगतान में प्रभावी कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। मुझे याद आया वंदे, छुटकी बता रही थी कि उसके पिताजी फल सब्जियों से निकलने वाले कचरे से खाद बनाते हैं। इस खाद का उपयोग वो कृषि कार्यों के लिए करते हैं। हाँ नन्ही, इस तरह के कचरे को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। आसान भाषा में बोले तो इसी कचरे को आम भाषा में जैविक कचरा भी कहा जाता है। ये बहुत आसानी से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन कचरों में रसोई से निकले फल सब्जियों के छिलके, जीव जंतुओं के अवशिष्ट, कृषि कार्यों से निकलने वाले कचरे आदि शामिल हैं। क्या गांव में इस तरह के कचरे का कोई उपयोग हो सकता है? शहरों के मुकाबले गांवों में इस तरह का कचरा अधिक होता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन पर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। कंपोस्टिंग ठोस कचरा प्रबंधन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें ठोस कचरे के ऑर्गेनिक घटकों को जैविक रूप से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बगैर मिट्टी में मिलाया जाता है। चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आम भाषा में जैविक कचरा भी कहा जाता है। ये बहुत आसानी से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इन कचरों में रसोई से निकले फल सब्जियों के छिलके, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, कृषि कार्यों से निकले कचरे आदि शामिल हैं। शहरों के मुकाबले गांवों में इस तरह का कचरा अधिक होता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन पर ध्यान ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को देना चाहिए। कंपोस्टिंग ठोस कचरा प्रबंधन की एक ऐसी ही पद्धति है जिसमें ठोस कचरे के ऑर्गेनिक घटकों को जैविक रूप से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बगैर मिट्टी में मिलाया जाता है। चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। कंपोस्टिंग प्रक्रिया में थर्मोफिलिक तापमान बनता है जो जैविक रूप से उत्पन्न इस गर्मी के कारण अंतिम उत्पाद कीटाणुओं और पौधों के बीच से मुक्त तथा स्थिर होता है। घरेलू स्तर पर कंपोस्ट गड्ढों के चयन के समय इस बात पर ध्यान दें कि वो पेयजल स्रोत से दूर हो। गड्ढे वहां बनाए जाने चाहिए जहां आम तौर पर जल भराव ना होता हो। प्रत्येक गड्ढे का आकार इस तरह का हो जिसमें कम से कम 6 महीने का बायोडिग्रेडेबल कचरा डाला जा सकता हो। गड्ढे ऐसे स्थल पर बनाएं जहां से कचरे और खाद की ढुलाई आसानी से की जा सकती हो। गड्ढों को बनाते समय ध्यान दें कि कहीं वो हवा के बहाव की दिशा में तो नहीं बन रहे हैं। इन्हें इस तरह से बनवाएं जिससे रिहायशी क्षेत्रों तक इनसे उठने वाली दुर्गंध ना आए। पानी के रिसाव को रोकने के लिए गड्ढे के चारों ओर एक बंध बनवाएं। मिट्टी की स्थिति के अनुसार गड्ढे को बनाएं। स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गड्ढों की संख्या और उसके आकार में बदलाव करें। यदि वहां औद्योगिक, वाणिज्यिक, बाजार केंद्र हो तो सृजित कचरे की मात्रा के अनुसार अतिरिक्त गड्ढों का निर्माण करवाएं। सृजित कचरे की मात्रा, बस्तियों की संख्या और लोगों की बढ़ती हुई आबादी के आधार पर कंपोस्ट गड्ढों को बढ़ाया जा सकता है या आवश्यकता अनुसार गड्ढों के समूहों में उपयुक्त बदलाव किए जा सकते हैं। गड्ढों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। जहां भी संभव हो एक बस्ती को एक इकाई के रूप में रखते हुए गड्ढों की खुदाई की जानी चाहिए। यदि बस्तियों की आबादी बहुत कम है तो 2 अथवा अधिक बस्तियों के समूह के लिए गड्ढों की खुदाई की जानी चाहिए। गड्ढे का आकार 5 अथवा 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, गहराई 1 मीटर। आवश्यकता के अनुसार बड़े परिवारों के लिए गड्ढों का आकार बड़ा होना चाहिए। सामुदायिक स्तर के लिए कंपोस्ट गड्ढे,
न्यूनतम 100 से 150 परिवारों के लिए कम से कम 3.6 मीटर लंबे, 1.5 मीटर चौड़े, 0.9 मीटर ऊंचे आकार के गड्ढे होने चाहिए। सृजित कचरे की मात्रा के आधार पर गड्ढे का आकार अलग हो सकता है। 150 परिवारों तक के लिए बने कंपोस्ट गड्ढों की एक इकाई में 4.86 घन मीटर क्षमता के दो अलग अलग गड्ढे होने चाहिए। 6 माह में पहले गड्ढे के भरने पर दूसरे गड्ढे का उपयोग होना चाहिए। अच्छा वंदे, ये बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान में पंचायतों की क्या भूमिका है? इस अभियान में पंचायतें प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाती है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाएं ही इस कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर सार्थक बना सकती है। क्या इस अभियान में अन्य तरह की योजनाएं सहायक हो सकती है? 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छता कार्यों के लिए अलग से निर्धारित नीतियां प्रदान करने के बाद पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदानों और मनरेगा निधियों से वित्त पोषित किए जाने वाली गतिविधियों का उपयोग स्वच्छता कार्यों के लिए करना चाहिए। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाएं ही इस कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर इसे सार्थक बना सकती हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए अलग से निर्धारित निधियां प्रदान करने के बाद पंचायती राज संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदानों और मनरेगा निधियों से वित्त पोषित किए जाने वाली गतिविधियों का उपयोग स्वच्छता कार्यों के लिए कराना चाहिए। स्वच्छता के लिए अलग से निर्धारित सभी निधियों का निवेश और उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हो रहा है। ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के भीतर काम करने वाली सभी समितियों को अपने अपने स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे सकती है। इस योजना से लोगों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े लोगों को जोड़ने के लिए एक ग्राम स्वच्छता योजना तैयार करें। ये सुनिश्चित करें कि खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में सुधार करने के लिए किस तरह से एक विश्वसनीय योजना बनाई जा सकती है। ग्राम पंचायत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों अर्थात पंचायत सचिव और पंचायत DEO के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगी कि इस योजना में यदि कोई बदलाव हो तो उसका पता तुरंत लगा लिया जाए। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं कितनी ही बार टॉफी का छिलका यहाँ वहाँ फेंक देती हूँ, उन छिलकों से भी तो हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचता होगा। हाँ, वो छोटा सा छिलका भी धरती माता को बहुत कष्ट पहुँचाता है। छिलका प्लास्टिक से बना हुआ है। ये प्लास्टिक क्या होता है, ये किस तरह धरती माता को नुकसान पहुँचा रहा है? टॉफी के छिलकों के अलावा और क्या क्या प्लास्टिक का बन रहा है, जरा विस्तार से बताओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें और यहाँ मौजूद सभी लोगों को प्लास्टिक के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ध्यान से सुनो। प्लास्टिक हमारे दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर के गांवों में भी आज प्लास्टिक का उपयोग बड़े स्तर पर होने लगा है। रोजमर्रा की हर वस्तु अब प्लास्टिक की बनने लगी है, जिससे प्रदेश में कई तरह की बीमारियां फैलने लगी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में प्रतिदिन बड़ी तादाद में प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसका बहुत कम ही हिस्सा रिसाइकल हो पाता है। प्लास्टिक कचरे में सबसे अधिक खतरनाक सिंगल यूज प्लास्टिक है,
यानी कि प्लास्टिक के वो उत्पाद जिनका उपयोग आमतौर पर मात्र एक बार ही किया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक उत्पादों में स्ट्रॉ, पानी की बोतल, फोम वाले कप, प्लेट, कटोरे, लेमिनेशन शीट्स, छोटे कंटेनर, ईयरबड्स आदि का नाम शामिल होता है। क्यों है सिंगल यूज प्लास्टिक वातावरण के लिए खतरनाक? सिंगल यूज प्लास्टिक 40 माइक्रोमीटर से कम स्तर के होते हैं, इसलिए ना तो आसानी से इन्हें नष्ट किया जा सकता है और ना ही इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। इन्हें जलाने पर स्टाइरीन गैस निकलती है जो धरती पर रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक है। गर्भवती महिलाओं और अस्थमा के मरीजों को तो इससे विशेष खतरा है। कई शोधों में इस गैस को कैंसर का कारक भी माना गया है। जल प्रदूषण में सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा योगदान है। चिनाब, सिंधु, झेलम और रावी समेत अन्य नदियों में प्लास्टिक कचरा तेजी से फैलता जा रहा है। आज प्रदेश की मिट्टी इन कचरों के कारण विषाक्त बनती जा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने का अभियान छेड़ा है। भारत सरकार का प्रयास है कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करते हुए उसके अन्य विकल्प खोजे जाएं, जिसमें जम्मू कश्मीर की पंचायत राज संस्थाएं भी अपना अभिन्न योगदान दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने की जरूरत क्यों है? स्वर्ग से सुंदर जम्मू कश्मीर के कई गांव आज सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान का दंश झेल रहे हैं। इसके कई दुष्परिणाम समाज के हर वर्ग पर पड़ते हैं। हमारे किसान भाई भी इससे अछूते नहीं हैं। प्लास्टिक कचरे से जहां एक तरफ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी के जरिए प्लास्टिक कचरे के खतरनाक जहरीले रसायन हमारे खाद्य पदार्थों तक भी पहुंच रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कई शोधों में प्लास्टिक रसायनों से कैंसर होने की संभावना भी सामने आई है। किसानों के लिए उनका पशुधन ही उनकी पूंजी है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक आज पशु पक्षियों के जीवन के लिए भी खतरा बन चुकी है। यहाँ वहां बिखरे प्लास्टिक को खाने से हर साल बड़ी तादाद में गाय, भैंस व अन्य जानवरों की मौत हो जाती है। कई बार तो इन पशुओं के पेट से कई किलोग्राम की मात्रा में प्लास्टिक कचरा निकलता है। जम्मू कश्मीर के गांवों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए पंचायती राज महकमा कई कदम उठा सकता है, जैसे लोगों को प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना, प्लास्टिक कचरे को संसाधन के तौर पर उपयोग करना, विकास खंडों में उन गांवों की पहचान करना जहां प्लास्टिक कचरे की समस्या विकराल है। ऐसे गांवों को चयनित कर वहां प्लास्टिक पॉलिथीन कचरे के लिए शेड निर्माण करना, कॉम्पैक्टर मशीनों का उपयोग करना, रिसाइकलिंग प्लांट लगाना, प्लास्टिक पॉलिथीन कचरे का विकल्प तैयार करना, प्लास्टिक कचरे को रोजगार के रूप में उपयोग करना, 40 माइक्रोमीटर स्तर से कम के प्लास्टिक उत्पाद उपयोग ना करना, कचरा फैलाने पर जुर्माना वसूलना। गांव में तो ठोस कचरे की समस्या भी विकराल है। स्वच्छ भारत के तहत क्या इनसे निपटने के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं? हाँ नन्ही, ठोस कचरे की समस्या को देखते हुए सरकार ने समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूह की सहायता लेने का फैसला किया है। स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये फायदेमंद है। गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सहायता संगठनों की भूमिका। समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की सहायता से स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। इस क्षेत्र के संगठन के पास जनता तक पहुंच बनाने और किसी कार्यक्रम को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग जागरूकता फैलाने, स्वच्छता सुविधाओं को
घर घर पहुंचाने और ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। क्या है ठोस कचरा? आमतौर पर ठोस कचरा वो कचरा है जो हमारे घरों, उद्योगों, कार्यालयों, स्कूलों आदि से निकलता है। कांच, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इलाज में प्रयुक्त सिरिंज और दवाइयों की शीशियां आदि हजारों ऐसे उत्पाद हैं जो काम में लेने के बाद फेंक दिए जाते हैं। ठोस वस्तुओं के अपशिष्ट के निपटान की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, इसलिए एक तरफ जहां ये जमीन को बंजर बनाते हैं, वहीं हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में भारत को कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, परंतु भारत में आधुनिक समय की भयानक समस्याओं में कचरा निपटान एक बड़ी वैश्विक समस्या है, खासकर शहरी जीवन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कोई बड़े प्रबंध नहीं होते हैं। मूल रूप से हम कचरे को उसकी प्रकृति के आधार पर 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठोस अपशिष्ट घरों, उद्योगों, अस्पतालों और स्कूलों आदि से निकलने वाला कचरा ठोस कचरा कहलाता है। तरल अपशिष्ट गंदा और दूषित जल तरल अपशिष्ट कहलाता है। घरों और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित जल इसके अंतर्गत आता है। सूखा अपशिष्ट, इस अपशिष्ट में वे पदार्थ आते हैं जो पूरी तरह से सूखे होते हैं। आमतौर पर ये ज्वलनशील होते हैं क्योंकि इनमें द्रव की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, कार्बन युक्त पदार्थ जो मिट्टी में दबाने से गल जाते हैं, उन्हें इन अपशिष्टों की श्रेणी में रखा जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, ये अधिकतर ठोस प्लास्टिक और धातु के अपशिष्ट होते हैं। ये बहुत ही हानिकारक होते हैं एवं लंबे समय तक उसी अवस्था में बिना सड़े गले पड़े रहते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आगे की राह। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य में विभिन्न सहभागियों की भागीदारी के लिए जन जागरूकता पैदा करना, कूड़े करकट का संग्रह करने, उसकी छटाई, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थानीय निकास की जरूरत के अनुसार कार्य योजना बनाना, कूड़े करकट के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए, कूड़े करकट में से संसाधनों को छांटकर निकालने पर जोर देते हुए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत क्षमता निर्माण, राज्य और जिला स्तरों पर उपयुक्त अभिशासन ढांचा खड़ा करना, शहरी स्थानीय निकायों, कूड़ा फैलाने वालों को बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपना और अनौपचारिक क्षेत्रों को कूड़ा इकट्ठा करने, छांटने के काम में भागीदार बनाना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम मात्रा में कूड़े करकट को संयंत्र के माध्यम से पुनर्उपयोग अथवा खाद के रूप में बदलने हेतु लायक बनाना, इस कचरे का समुचित उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है, साथ ही बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण को रोका जा सकता है। अच्छा नन्ही, ये बताओ कि तुम ई कचरे के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यहाँ वहाँ फेंकने से ई कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है। हाँ, तुमने सही कहा कि बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यहाँ वहाँ फेंकने के कारण धरती पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन वंदे, आज के समय में तो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, व्यापार आदि क्षेत्रों में हर काम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ही हो रहा है। इस बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बिना आज के समय में कोई भी काम किया जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कचरों को किस तरह से कम किया जा सकता है? अच्छा,
ध्यान से सुनो, मैं इसके बारे में भी तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तकनीक का हर नया अनुसंधान मानव जीवन को पहले से अधिक सरल बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से हम दुनिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तक जो काम दुनिया के लिए नामुमकिन था, आज वो तकनीक की सहायता से आसान हो रहा है। तकनीक के इस युग की ताकत को भारत ने भी पहचाना है। यही कारण है कि देश के हर राज्य में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग बढ़ती ही जा रही है। ये उपकरण देश में आज तेजी से लोगों की जीवन शैली और कार्य प्रणाली को सरल बना रहे हैं। आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, व्यापार आदि किसी भी क्षेत्र में कोई काम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना हो जाए, इस बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन उपयोग के समय हमारे लिए किसी वरदान की तरह है, वही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अनुपयोगी होने के बाद धरती के लिए साक्षात अभिशाप बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां हर साल कुछ ना कुछ फीचरों के साथ अपने प्रोडक्ट बाजार में ले आती हैं। लोग भी आवश्यकता ना होने पर इन उत्पादों से आकर्षित होकर उसे खरीद लेते हैं। परिणाम स्वरूप पुराने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बहुत जल्द ही अनुपयोगी मानकर उन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दुनिया के लिए आज बड़ा खतरा बन गया है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इस्तेमाल के बाद यहाँ वहाँ फेंकने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। समय के साथ बाजारवाद की संस्कृति ने इस समस्या को अधिक विकराल बना दिया है। आज के समय में तकनीक का उपयोग एक सामाजिक व पर्यावरणीय चिंतक के रूप में उपयोग करना सही मायनों में अच्छी सोच है, क्योंकि पर्यावरण दूषित होता है तो इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए हमें ई कचरे को बढ़ने से रोकना है तो तकनीक का सही उपयोग करना सीखना होगा। ई कचरों का निपटान गैर वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, जिस वजह से पानी, मिट्टी और हवा जहरीली हो रही है। इससे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे रक्त प्रणाली में खराबी, गुर्दे और मस्तिष्क में विकार, श्वसन संबंधी विकार, त्वचा विकार, गले में सूजन, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारियां आदि। इन कचरों में बड़ी मात्रा में लेड, मर्करी, कैडमियम और कोबाल्ट जैसे खतरनाक तत्व होते हैं, जिस कारण इनसे निकलने वाले रसायन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ई कचरे से निपटने के लिए पंचायतें क्या कर सकती हैं? ई कचरे के मुद्दे पर बैठक का आयोजन, ई कचरे पर जागरूकता रैली का आयोजन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अनुपयोगी होने पर उन्हें जलाशयों या उपजाऊ जमीन पर ना फेंकें, काम नहीं होने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद कर दें। इससे एक तरफ ऊर्जा की बचत होगी, वहीं आपका बिजली बिल भी कम आएगा। काम ना होने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक चलेंगे। ध्यान रहे नन्ही, स्वच्छ भारत मिशन 2 का उद्देश्य स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते हुए उनका व्यवहार परिवर्तन करना है। स्वच्छता को व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए वंदे? रणनीति और योजना के तहत सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे जन जन तक यह आंदोलन पहुंच जाए। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। स्वच्छ भारत में सूचना, शिक्षा और संचार का योगदान। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय का उद्देश्य स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते हुए उनका
व्यवहार परिवर्तन करना है। इसलिए रणनीति और योजना के तहत सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे जन जन तक यह आंदोलन पहुंच जाए। प्रचार और क्षमता निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर रिपोर्टरों, पत्रकारों और मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रमों को साझा करके उसे लोकप्रिय बनाना, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और स्वच्छता आयोजनों को प्रमुखता से अखबारों और लोकल चैनलों में दिखाकर उसे प्रभावी बनाना, स्वच्छता कार्यक्रमों के आयोजन की जानकारी पहले से ही लोगों को मीडिया के माध्यम से देना, स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता पर नैतिक शिक्षा देना, स्कूलों में स्वच्छता के विषय पर भाषण, कविता, वाद विवाद, रैली और अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करना, गांव में स्वच्छता सभा का आयोजन करना, स्थानीय समुदायों के साथ सीधे जुड़ने के लिए दीवारों पर चित्रकारी, घर घर जाकर संदेश, ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, सामुदायिक रेडियो और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करना। आज तो मैंने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बहुत कुछ जाना वंदे। हाँ, मुझे उम्मीद है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने भी आज स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। ये प्रशिक्षण सत्र उनके लिए लाभदायक साबित रहा होगा। गांधी जी का सपना जब साकार होगा, सुंदर भारत तब आकार लेगा। गांव-गांव में स्वच्छ भारत का फूल खिलेगा। स्वच्छता को हम सबका साथ मिलेगा। साफ सफाई की आदत डालेंगे। कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।